ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि आज कलयुग में जो अपराध हो रहे हैं उन्हें कैसे रोकना चाहिए। देखिए, अपराध तभी पनपता है जहाँ कुछ गलत हो रहा होता है। तो यदि आपके आसपास कहीं कुछ गलत हो रहा है तो पहली बात तो पुलिस को सूचना ज़रूर दे दिया कीजिए। तो ऐसे में हमारे भारतीय समाज से अपराध को रोकने में मदद मिलेगी। इस कलयुग में अपराध होंगे और बहुत होंगे। दरअसल ये बातें हम नहीं बल्कि हमारा हिंदू धर्म ग्रंथ बताता है और हमारे ग्रंथ में पहले से बताया जा चुका है। और ये हमारे धर्म ग्रंथ में नहीं, कुरान में भी लिखा हुआ है कि कलयुग में पाप जो है बढ़ता चला जाएगा। पाप का जो परसेंटेज होगा 80-20 का रेशियो होगा, 80% पाप होंगे, 20% सिर्फ पुण्य का हिसाब किताब रहेगा। तो अभी ध्यान देने वाली बात यह है कि इन अपराधों को कैसे रोका जाए। कलयुग के टाइम पर लोग बहुत सारे टोटके आजमाते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं, फिर भी अपराध रुकता नहीं है। आज अदालत में जो केसेस हैं, अपराध के जो केसेस हैं, हालांकि बहुत सारे फॉल्स केसेस रहते हैं उसमें, केसेस का जो फाइल्स हैं वो बढ़ती चली जा रही है, अदालतों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो ऐसे में जो सबसे बेस्ट उपाय है वो है लोगों में नैतिक और मानवीय मूल्यों को जागृत करना। और ये मूल्य सिर्फ और सिर्फ अध्यात्म के जरिए पैदा हो सकते हैं। अध्यात्म किसी विशेष धर्म के संबंधित होता नहीं है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि अध्यात्म धर्म से संबंधित हो, बल्कि अध्यात्म सकारात्मक बातों का पूरा पुटला है जो ज़िंदगी को खुशियों से भर देता है। तो चलिए, अपराध रोकने के कुछ हम उपाय आपको बताने जा रहे हैं। पहली बात तो, जब बच्चा छोटा हो, और छोटा बच्चा नहीं भी हो तो भी घर में जो माहौल होना चाहिए वो सकारात्मक होना चाहिए। यदि माता पिता आपस में झगड़ते हैं तो इसका सीधा असर बच्चों पर पड़ता है। जब बच्चे बड़े होते हैं तो लोग खास तौर पर महिलाओं के सम्मान की परवाह नहीं करते, क्योंकि बचपन से वो देखते हैं कि उनकी माँ का सम्मान नहीं हो रहा है। तो कुछ मामलों में यह बात अपवाद हो सकती है। देखिए, हमारा जो अध्यात्म है एक ऐसा विषय है जो आपकी ज़िंदगी को सकारात्मक बनाता है। ऐसे में हर उम्र के लोग आध्यात्मिक किताबों का अध्ययन करें। अध्यात्म से संबंधित कई वेबसाइट आज उपलब्ध है गूगल पे, तो इस वेबसाइट पर भी अध्यात्म से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी हर समय मौजूद रहती है। स्कूल में नैतिक शिक्षा और मानवीय मूल्यों का पाठ पढ़ाना चाहिए, उदाहरण के जरिए पढ़ाया जाना चाहिए, अच्छी अच्छी मॉरल जो मोटिवेशनल स्टोरीज होती है वो बताना चाहिए बच्चों को। इसके लिए अभिभावक स्कूल में इस तरह के पाठ्यक्रमों या विशेष कक्षाओं की महत्ता के बारे में स्कूल से बात करें। स्कूल में होने वाले पेरेंट्स मीटिंग में अपनी राय दे सकते हैं। देखिए, अपराध का मूल वजह है बच्चों को सही समय नहीं दे पाना। अभी हाल में भोपाल में एक साइको किलर का केस आया था। यानी बच्चे अगर गलती करते हैं तो उन्हें डांटिए, लेकिन उन्होंने जो गलती की है उसके बारे में बताइए ताकि बच्चे फिर से वो गलती नहीं करें, और उस गलती का रिजल्ट क्या होगा ये बच्चे को जानना बहुत ज़रूरी है। बच्चों को बचपन से ही ऐसी शिक्षा घर पर दिया कीजिए कि उन्हें समझ में आए कि क्या गलत है और क्या सही है। वर्तमान में यौन अपराध सामाजिक समस्या बनता चला जा रहा है। यौन अपराध करने वाले आज के 14-15-16 साल के बच्चे हैं, तो यौन शिक्षा का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि वो यौन से रिलेटेड गलतियाँ नहीं करें। तो ऐसे में बच्चों को इसके बारे में जानकारी देनी पड़ेगी। बच्चों को बताएं कि यह आपका मुख्य अंग है, यदि यहाँ कुछ ऐसा होता है तो घर के सबसे भरोसेमंद लोग हैं, उन्हें बताएं। अभी बच्चों से जब हमारी गलतियाँ नहीं करेंगे, जब वही पूरे एक्सपर्ट होंगे, अध्यात्म से जुड़े होंगे, क्या सही है क्या गलत है इस तरह से उनका पालन पोषण किया जाएगा, तो जब ये बड़े होंगे तो ये अपने बच्चों की परवरिश उसी हिसाब से करेंगे जिस हिसाब से उनकी परवरिश हुई है। तो मेरे ख्याल से तो ये एक तरीका है जहाँ हम कलयुग में अपराध को रोक सकते हैं। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।